उधर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ। चर्चा से पहले विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान जनता से जुड़े सवाल उठाए। विधायक रामकुमार कश्यप ने शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 3 महीने के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने नारायणगढ़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मामला रखा, जिस पर अनिल विज ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर पद भर दिए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मामला गीता भुक्कल ने उठाया, जिस पर विज ने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। वहीं प्रदेश में बेमौसमी बारिश से बर्बाद हुई फसल पर सीएम मनोहर लाल ने फसलों के नुकसान के आकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी करने की घोषणा भी की। तो वहीं सदन में विधायकों की तरफ से सवाल पूछे गए, जिनके मंत्रियों ने जवाब दिए। इस दौरान सदन में हंगामा भी देखने को मिला, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मैंने गर्ल पॉलिटेक्निक के लिए अटेली में कहा है, वो जो पॉलिटेक्निक जो नारनौल में बना है वो तो बॉयज पॉलिटेक्निक है। मेरा अनुरोध है कि अटेली में एक गर्ल पॉलिटेक्निक की जरूरत है, ये लोगों की मांग है कई दिनों से। अटेली से महेंद्रगढ़ में जो कि 20 किलोमीटर दूर है केवल, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है सर, और उसमें भी 56% सीट्स आर लाइंग वेकेंट सर। सर, ऐसी स्थिति में जबकि सीटें ऑलरेडी खाली पड़ी हैं, नया पॉलिटेक्निक खोलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर विधायक साथी कहेंगे तो हम उसके लिए बस वगैरह तो चला सकते हैं सर, कि अटेली से महेंद्रगढ़ के पॉलिटेक्निक के लिए बस जाए, परंतु एक अलग से वहाँ पर पॉलिटेक्निक खोलने का प्रश्न पैदा नहीं। मंत्री जी, ये जो पोर्टल की आपने बात करी है, ये पोर्टल की व्यवस्था जो काफ़ी दिनों से शायद है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं ये फिर जानना चाहता हूँ आपसे, पिछले साल पोर्टल के माध्यम से कितने अध्यापक इसमें लगाए गए? अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य ने जानना चाहा कि राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कितनी है। 1,24,270, रिक्त पदों की संख्या 29,646 है।